Hi everyone, today I am going to show you how to sell NFT into the marketplace of Atomic Hub. And sorry for that, I could not upload video regularly due to my busy schedule. So जो आप NFT जीतते हो या विन करते हो उसको आप Atomic Hub के ऊपर या वॉमबेट की जो भी मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर आप NFT सेल कर सकते हो वो कौन सी है. अच्छा, जो मैं आपको पॉइंट बताऊँगा वो आपने याद रखने हैं. सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने वॉलेट में आना है. आप अपना वॉलेट चेक करो कि आपका वॉलेट कौन सा है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है. अच्छा, मैंने जितने भी वॉलेट है ना मेरे, इन सब में से मैं अपना EOS का वॉलेट हमेशा कनेक्ट करता हूँ. और जिस मार्केट प्लेस के ऊपर मैं अपनी NFT को सेल करता हूँ वो EOS को सपोर्ट करता है और WAX वॉलेट को सपोर्ट करता है. ये जो नीचे आपको एंड में नज़र आ रहा है, तो ये आपकी चॉइस है आप कौन सा सेलेक्ट करते हो. अच्छा, करना क्या, आप NFT को विन कैसे करोगे. सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो नए यूज़र हैं वॉमबेट के, वो जब आप यहाँ पे आती हो तो आपको डेली यहाँ पे चेस्ट वगैरह मिलता है, चेक इन बोनस, ये डेली टास्क जो है, ओपन आ लूट बॉक्स वगैरह है, ये जो भी है ये आप क्लैम करते हो हर रोज़. तो यहाँ पे जो आपको क्वेट्स नज़र आ रहे हैं, फिनिश 50 डेली टास्क, न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पर ना लिखा होगा 10 डेली टास्क, तो ये आपने क्लेम करने होते हैं हर रोज़. जब आपकी लिमिट पूरी हो जाती है तो इसके बाद में यहाँ पे ये NFT आप क्लेम कर सकते हो. यहाँ पे लिखा आएगा क्लेम NFT. जब आप क्लेम करते हो तो NFT आपकी जाती कहाँ पे है वो आपको कैसे पता चलेगा. अच्छा, आपने क्या करना है, एक्सप्लोर के बटन पे क्लिक करना है. इसके बाद आपने जाना है मार्केट प्लेस के ऊपर, ठीक है. यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ आपको दिखेगा एटॉमिक हब. ये एटॉमिक हब आपने ये EOS के ब्लॉकचेन के ऊपर भी काम करता है और WAX के ऊपर भी काम करता है. ये आप अपनी NFT जो है ना ये जिस मर्ज़ी के ऊपर ना आप सेल कर सकते हैं, जितनी भी मार्केट प्लेसेज हैं. पर हाँ, मैं एटॉमिक हब को यूज़ करता हूँ. पहला पॉइंट ये होगा एटॉमिक हब के आगे. दूसरा पॉइंट, आपने बैक आना है. जो आपने NFT क्लेम की होती है वो कहाँ पर जाती है, आपने गैलरी, ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है गैलरी का, यहाँ पर आप करोगे क्लिक. जो भी आप NFT क्लेम करती हो ना, जितने भी NFT आप क्लेम करोगे वो सारी यहाँ पे आएंगी. जो गैलरी का ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे nft.get.bombe.io के. यहाँ पे आपको सारी अपनी NFT शो होंगी. ये NFT आपकी लिस्टेड नहीं है, आपने लिस्टेड नहीं की हुई, ये आपके इसी से ना समझ लें कि एक बॉक्स है उसके अंदर अभी आपकी NFT पड़ी हुई है. अब आपने इसको सेल करना है. आप सेल कैसे करोगे, इसके ऊपर करोगे क्लिक. एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा लिस्ट ऑन मार्केट, दूसरा है बर्न, तीसरा है ट्रांसफ़र. आपने बर्न नहीं करना. जब आप बर्न करोगे तो आपकी NFT डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है. अच्छा, इसके बाद ये 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रेड मोर ऑफ दिस NFT बैक टोकन. ट्रेड पे क्लिक किया तो आप ये ऊपर नोट डाउन करो EOS.AtomicHub.io. यहाँ पर आप आ जाओगे सीधा. जब आप यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे कि आपकी जो NFT है, यहाँ पे नीचे आना है आपने माई इन्वेंट्री. यहाँ पे जब आप आओगे ये जो बेसिकली आपकी NFT है ना जो वहाँ पे पड़ी हुई है वो यहाँ पे एग्जैक्ट पड़ी हुई है आपकी NFT. यहाँ से आप लिस्ट कर सकते हो, ठीक है. अभी जो इस NFT की जो मार्केट प्लेस पे वैल्यू है ना जो अभी चल रही है वो भी शो करेगी. ये इसकी अभी करंट प्राइस जो चल रही है 0.12 US चल रही है. अच्छा, कुछ NFT ऐसी हैं जिनकी जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है, वो आपको विन होती हैं. अभी तक मैंने तो नहीं विन की. ये नीचे आपको इसकी वैल्यू शो हो रही है. अभी आपने ना इसको करना है लिस्ट ऑन मार्केट. आप ये काम करते हो कि आपने इसको सेल करना है ना, तो आप आओ करोगे यहाँ से भी कर सकते हो लिस्ट ऑन मार्केट. ये क्लिक करोगे तो मार्केट पे यहाँ पे ना आप अपनी वैल्यू इनपुट करोगे EOS की, जो भी जितनी भी आप अपनी वैल्यू इनपुट करना चाहते हो. ये फर्स्ट करो मैंने ना 0.12 कर ली, ठीक है. तो ये यहाँ से कंफर्म आप करोगे तो आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी और लिस्ट हो जाएगी. अच्छा, मैं ना ये तो आपको ना थोड़ा मुश्किल लगेगा, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ. बेसिकली जो ये तरीका बता रहा हूँ ना, एक तो ये तरीकाकार है ना, दूसरा तरीकाकार ये है. यहाँ से ना आप आते हो बैक, आप अपने यहाँ पे आ गए दोबारा से NFT वॉलेट के ऊपर. अच्छा, ये जो आसान तरीका कार है ना वो ये है कि जब आप आओगे ना इसके ऊपर। तो आपने ये काम करना है कि आपने ना लिस्ट ऑन मार्केट के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा ये आ गया, ये इसकी अभी करंट प्राइस चल रही है, जो लोवेस्ट प्राइस अभी चल रही है ये आ गया यूजिंग। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। ये यूज़ में मैंने क्लिक किया, ये बेसिकली यही अमाउंट यहाँ पे पुट होगी। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे इतनी की ना सेल नहीं करनी है, अभी मुझे सेल करनी है 1.69 की, मुझे इतने में ना सेल करनी है। मैं ये करूँगा और मैं करूँगा क्रिएट लिस्टिंग। ये कंफर्म, ये आप देख रहे हैं ये सक्सेसफुली ऑक्शन पर लग गई है, लिस्टिंग हो गई है। अच्छा अब ये होगा कि जब आपकी एनएफटी सेल होगी ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी एनएफटी सेल हो गई है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी एनएफटी जो है वो सेल हो गई है? तो आपने यहाँ से बैक आना है। तो आपने माई लिस्टिंग पे आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ये मेरी ना एनएफटी मैंने लिस्ट करी है अभी, ये जो इसकी प्राइस मैंने फ़िक्स की है। आप चाहो तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से ना बैक आते हो। जब आपकी एनएफटी सेल होती है ना तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी एनएफटी सेल हुई है। वो आपको पता कैसे चलना है कि जिस ब्लॉकचेन के ऊपर आपने एनएफटी सेल की है ना, जैसे ही आपकी एनएफटी कोई बंदा ख़रीदेगा वो आपको टोकन सेंड करेगा, तो जिस ब्लॉकचेन के ऊपर आपने अपनी एनएफटी, मैंने ईओएस के ऊपर लिस्टेड थी मेरी, तो मुझे ईओएस सेंड करेगा। तो मैंने अपने, तो जो भी आपका बनेगा ना, फर्ज करो आप वैक्स के ऊपर हो तो आपने वैक्स के चेक करना। मैंने ईओएस के ऊपर, मैंने ईओएस के ऊपर ना क्लिक किया कि ये देखें अभी अटोमिक मार्केट के ऊपर जो मेरी पुरानी एनएफटी सेल हुई थी वो 0.17 की हुई थी। ये इससे आपको पता चल जाएगा, डेट भी लिखी होगी कि आपकी एनएफटी कौन सी सेल हुई है और आपके अकाउंट में पैसे कहाँ से आए हैं। चलें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। तो चलो, थैंक यू।